तो दोस्तों कैसा आप सब लोग, और आपका स्वागत है फिर से एक और व्लॉग में। इससे पहले हमने एक और व्लॉग बनाया था जहां हम गए थे दिल्ली नेहरू प्लेस, वहां हमने कुछ चीजें परचेज की थी। अगर वो देखना चाहते तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां जा सकते हैं। और आज के व्लॉग में हम जा रहे हैं सिवा टावर। वहां क्या करेंगे हम, वहां जा रहे हैं एक RGB कैबिनेट लेने। हमने ऑनलाइन भी परचेज किया था लेकिन ऑनलाइन में कुछ घपलेबाजी हो गई अमेजोन से, और उसमें हमें फैन नहीं मिले जबकि फैन लिखा हुआ था कि साथ में दिए जाएंगे, तो हमने वो रिटर्न कर दिया। हमने सोचा लोकल मार्केट चलते। तो सिवा टावर का नाम आपने शायद सभी ने सुना हो, तो वो मेरठ में है, सॉरी गाजियाबाद में, और हम भी अभी भी गाजियाबाद में आ चुके हैं। तो मेरे साथ है फिर से चंदू ब्रो जो हमारे साथ दिल्ली गए थे, और साथ में मैं दिखा दूं शिवम भाई। और शिवम भाई अभी सामने ध्यान दे रहे हैं देखो, और ये हमारे साथ में एक हमारे ड्राइवर साहब बने हैं जो आकाश ब्रो, ये भी हमारे भाई हैं छोटे। और ये जो मैं आपको बता दूं, आज जो वेडनेसडे है और ट्यूसडे में जो मार्केट बंद रहती है, तो कभी भी आप आना चाहें अगर गाजियाबाद तो ट्यूसडे में ना आए, क्योंकि आपको ऐसे में पूरा तो सिवा टावर बंद मिलेगा। तो अब देखेंगे जाकर कैसा मिलता है, क्या कुछ चीजें रहती हैं, क्या हमें वैल्यू फॉर मनी कोई कैबिनेट मिल पाएगा RGB, वो सब चीजें। हमने क्रॉस कर लिया है और अभी हम बढ़ रहे हैं आगे। मार्केट का जो एरिया है वो आ गया है, देख सकते हैं आप, कुछ भीड़ दिखनी शुरू हो गई होगी। तो अभी यहाँ से हम एक राइट लेंगे, उसके बाद वापस से मतलब सिवा टावर पहुँच जाएंगे वापस से क्या, और चल के देखते हैं वहाँ पर कैसा कुछ रहता है सब चीज़ें, और कैसे बात होती है जो शॉपकीपर है या। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं हम सिवा टावर यहाँ पर आ चुके हैं। सिवा टावर कुछ इस तरह का बाहर से देखने में लगता है, और इधर हम गली में को जा रहे हैं। यहाँ पे हम अपनी पार्किंग ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे गाड़ी को पार्क करें, क्योंकि पार्किंग का जो सीन है ना बहुत मतलब पंगा ही है, कहाँ पे जगह नहीं होती है। बहुत ही देख सकते हैं कितना भीड़ भड़ाका यहाँ पे हो रखा है, कहीं भी जगह में नहीं मिल रही है पार्किंग की। तो कहीं ना कहीं करेंगे जुगाड़, लगाएंगे पार्किंग, और उसके बाद चलते हैं गाड़ी से उतर कर सिवा टावर की तरफ, और देखते हैं आगे क्या कुछ होता है कैबिनेट के इस सफ़र में। भाई ये पार्किंग नहीं मिल रही है, हम वापस आ गए हैं, और यहाँ हम पार्किंग देखेंगे। आगे चलना, आगे चलो, आगे चलो। तो यार पार्किंग का बड़ा सीन है, गेट है भैया, यहाँ पे गेट है। तो भाई पार्किंग जो है वो हो गई है कहीं पे, ऐसे ही हमने कर दी लमसम। और यार हम पैदल जा रहे हैं सिवा टावर, भीड़ बहुत है, ट्रैफिक बहुत है, आवाज शायद नहीं आ रही हो। स्कूटी को हटा कर जो है ना, मैं भैया बता दो तो। उल्टी है से, तो काम नहीं चला अभी, दूसरी देखते हैं। चलो गिरा मत ना। तो भैया अभी हमने एक और दुकान पे मालूम करा है, वो कह रहे हैं उनके पास काफ़ी सारी कैबिनेट है नीचे की साइड, तो वहीं जा रहे हैं, देखते हैं काम होता है नहीं होता है।
रुकते हैं यहाँ आगे, हम दुकान पे आ चुके हैं। तो दुकान पे आ गए हैं अभी, इधर एक चल रही है, देखो कितना हल्का है, उसका तो बहुत भारी है ना। कूलर मास्टर की है एक तो यहाँ लगे। तो भैया मैंने 3-4 दुकानों पर यहाँ पे पता किया है, तो पहले तो मैं मास्क हटा दूँ, गर्मी हो रही है। 3-4 दुकानों पता किया है यहाँ पे, वो डाउन ग्रेड, मतलब मज़ा नहीं आ रहा। RGB कैबिनेट में बहुत ही डाउन सी हैं, ऐसा लगता है जैसे तो बस RGB कैबिनेट की शुरुआत हुई हो, उस टाइप की हैं। तो अभी हम जा रहे हैं कहीं और, सड़क पार करके शिवा टावर से बाहर दूसरी तरफ, वहाँ देखते हैं क्या कुछ मिलता है हमें क्या नहीं। जो हमारा कैबिनेट है वो मैं खरीद लिया है, गाड़ी को बताता हूँ इसकी बाकी डिटेल कहानी। तो दोस्तों वापस आ गए हम गाड़ी में। अब आप सोच रहे होंगे हमने आगे अंदर दुकान तक का तो दिखाया लेकिन परचेज करने का नहीं। एक्चुअली हुआ ये कि जब हमने परचेज किया तो काफी ज्यादा उसमें भीड़ हो गई दुकान में, और काफी ज्यादा मतलब रश हो गया था, शोर होने लगा। तो मैंने सोचा परचेज कर लेते हैं, डिटेल आपको मैं बता देता हूँ गाड़ी में बता दूंगा। तो मैंने लिया है ये आपका शिवा टावर के जस्ट सामने देखने के लिए मिल जाएगा आपको एको टावर इस तरीके का, जिसका नाम है शेर सिंह पैलेस। तो यहाँ से हमने लिया है, एक दुकान है नीचे HP की वहां से। अब लिया कौन सा है तो आप देख सकते हैं भाई, खतरनाक। तो ये देख सकते हैं आप, फ्रंट की साइड ही आपको एक फैन दिख जाता है जो कि RGB रहने वाला है। इसके साथ में एक रिमोट आता है, रिमोट मुझे नहीं मिला, दुकानदार ने खो दिया था। उन्होंने कहा कीबोर्ड से अंदर सिस्टम से आप इसकी लाइट को चेंज कर सकते हैं। एक और फैन आपको दिख जाता है ऊपर की साइड में टॉप में, और यहाँ इसके कुछ कंट्रोलर्स और पोर्ट यहाँ की साइड आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। मैं इसको जला के भी दिखाऊंगा एक छोटा सा पार्ट घर पहुंचने के बाद। अब इसमें हमने परचेज कैसे किया, तो मेरे पास एक पुराना ग्राफिक कार्ड था 720, तो मैंने क्या किया उसको दुकानदार को वापस दे दिया। मैंने कहा कि आप इसे खरीद लेंगे, उन्होंने कहा ठीक है हम खरीद लेंगे। और जो कैबिनेट था ऑनलाइन दिखा रहा था आपको 7500 या 7500 का, और उसने हमें 5500 यहाँ पर रेट बताया। मैंने उससे बोला कि भाई 5500 काफ़ी ज़्यादा है, हमने 4500 पे बार्गेनिंग शुरू करी, और उसके बाद ये फाइनली हमें 4900 का पड़ा, जिसमें कि 2000 का हमारा ग्राफिक कार्ड रिटर्न चला गया। तो हमने उसको 2900 रुपये यहाँ पर पे करे। तो भाई देखते ही पहली, मतलब वो बोलते ना पहली नज़र में प्यार हो गया, तो पहली नज़र में ही पसंद आ गया था। और चंदू ब्रो हमारे हैं, उनके यहाँ ये लगने वाला है, उनका गेमिंग PC एक मैंने बना रखा है, ग्राफिक कार्ड और है ग्राफिक कार्ड और HDD का इंस्टॉलेशन मैंने बनाया हुआ है। देखना चाहते हो तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वो भी देख सकते हैं कैसे आपको करना है। अब इसका जो पूरा सेटअप है वो करने वाले हैं, वो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। वापस से हम घर की तरफ निकल चुके हैं, और बने रहना, मैं एक बार से इसको चला के जरूर दिखाऊंगा लाइटें कैसे काम करती, कैसे आपको फैन दिखने वाले। और एक बात, और इसमें जो कंट्रोल है ना उसमें आप इसमें लगभग 10 फैन कनेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे। और अभी मैं पॉज करता हूं वीडियो को और जल्दी से आगे के देखते हैं सफर कैसा रहता है। तो दोस्तों अब आ गए हैं हम घर पे, और मैंने इसको पूरा सेटअप कर लिया है। इस मेरे पास माउस और कीबोर्ड भी थे, इनके अनबॉक्सिंग रिव्यू जा सकते हैं चैनल पर, मिल जाएंगे आपको देखना चाहते हैं तो। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कैबिनेट। तो कैबिनेट चलने के बाद में ऐसे लगती है, ऊपर के दोनों फैन जो कि 200mm के यहाँ पर दिए हुए हैं, RGB काफ़ी कमाल की लुक यहाँ पर दे रहे हैं। और मैंने अभी अंधेरा करा हुआ है अपने कमरे में, और ये देख सकते हैं आप क्लोजअप में कुछ इस तरीके के यहाँ पर लुक आ रही है। ऊपर का फ़ैन, सामने आपको एक फ़ैन आपको सेम साइज 200mm का देखने के लिए मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर घूम रहा है। और इसमें आप देख सकते हैं साइड से गिलास अंदर की तरफ, ये मेरा भी आप देख रहे हैं मदरबोर्ड, और इस पर लगा हुआ है ग्राफिक कार्ड, और देख सकते हैं अंदर की चीज़ें किस तरीके से आपको सो होंगे। ग्राफिक कार्ड पे जा सकते हैं आप, RGB फैन लगाना तो वो यहाँ पर पूरा ओपन रहेगा, और काफ़ी कूल लुक यहाँ पर आएगी ग्राफिक कार्ड की भी। और यार काफ़ी मतलब एक कमाल की जो कैबिनेट है लुक वाइज तो काफ़ी कमाल की लगी। बाकी थोड़ा वायर मैनेजमेंट में थोड़ी दिक्कत हुई, वो काफ़ी करने में दिमाग खर्च करना पड़ा, तो हो गया, पर काफ़ी मज़ेदार है कैबिनेट, आप ले सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं सभी कुछ वीडियो में।